लेते हैं विस्तार। आज से 38 बरस पहले जिस कहानी को कहानी समझकर लोगों ने पर्दे पर देखा, वो हकीकत में 28 जनवरी को बिलासपुर शहर के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा गई। जी हाँ, गुलजार ने सन 1972 में संजीव कुमार और जया भादुड़ी को लेकर कोशिश के लिए पटकथा लिखी, जिसे कई टेक और रीटेक के बाद पर्दे पर लोगों ने देखा। ठीक उसी कहानी का असल जिंदगी में बिना रिटेक का सच चाटापारा के राम मंदिर में शुक्रवार को देखने को मिला। बचपन से एक दूसरे को जानने समझने वाले राकेश और रसिका हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। विवाह के बंधन में बंधा ये जोड़ा न बोल सकता है न सुन सकता है, लेकिन आंखें हैं जो सब कुछ देखती समझती और कह जाती हैं। देखिए ये खास खबर। पढ़ना लिखना बच्चों का स्कूल घूमो बहरों का स्कूल ये है रियल लाइफ जिसमें कई रिटेक छिपे हुए हैं। सन 1972 यानी 38 बरस पहले जिस जिंदगी की पटकथा गुलजार ने ड्रामा के जरिए पर्दे पर पेश की, वो आज भी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देती है। कोशिश, जी हाँ, इस नाम से गुलजार की कोशिश सन 1972 में पर्दे पर आई, जिसमें हरिचरण माथुर यानी संजीव कुमार और आरती का किरदार अदा करती जया भादुड़ी की मुलाकात कुछ इस खास अंदाज में होती है। दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, चेहरे पर आए भाव को पढ़कर एक दूसरे को समझ सकते हैं और आंखों ही आंखों में वो ख्वाब दोनों संजो लेते हैं जो उन्हें जिंदगी भर का साथी बना देती है। रियल लाइफ के ये हीरो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, बस इनकी दुनिया इशारों इशारों में उन तमाम कोशिशों पर खरी उतरती जाती है जिसे हर इंसान पाने की जद्दोजहद में आज भटकता फिर रहा है। ये तो रहे पर्दे के हीरो, और ये दोनों बिलासपुर शहर में असल जिंदगी के हीरो हैं, जिनके जिंदगी के तमाम पहलुओं की दास्तां रुपहले पर्दे की पटकथा से काफी मेल खाती है। रजत पट पर जो कोशिश गुलजार ने सन 1972 में की थी, उसे शहर के इतिहास में परिणित होने में 38 बरस जरूर लग गए। दुल्हा बना राकेश और दुल्हन रसिका का विवाह 28 जनवरी को राम मंदिर में संपन्न हुआ। फिल्म कोशिश का नायक हरिचरण और नायिका आरती की कोमल भावनाएं हूबहू स्फुटित होकर नए जीवन के प्रेम को परिभाषित कर गईं। राकेश और रसिका ने इंसानियत की वो मिसाल पेश की है जो इस दौर में जवान वाले इंसान शायद कम ही दे पाते हैं। असल जिंदगी की पटकथा के साक्षी बने ये लोग इस खास मौके को यकीनन नहीं भूल पाएंगे। बचपन की मोहब्बत उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ परवान चढ़ती गई। चकाचौंध भरी जिंदगी की बिना रीटेक वाली ये लाइफ अब जिंदगी के हर सुख दुख में साथ नजर आएगी। सच्ची मोहब्बत के आगे एक दूसरे की नजरों ने तमाम चकाचौंध को दरकिनार कर दिया है। मन में खुशियों के खिलते फूल चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहे हैं।
राकेश जोशी और रसिका सिंघाले कच्ची उम्र यानी कक्षा पांचवी से आठवीं तक शहर के जूनी लाइन स्थित एक मूक बधिर स्कूल में साथ साथ पढ़े। इसके बाद पारिवारिक कारणों से दूरियां कुछ जरूर बढ़ गईं, लेकिन मोहब्बत में अंश मात्र की कमी नहीं आई। राकेश वक्त का इंतजार करता अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाता जा रहा था।